कभी मेरी जीजियों से निवेदन है, आपको लगता है कभी कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा दुख नहीं मिट रहा, मेरी बीमारी नहीं मिट रही, मेरी तकलीफ नहीं मिट रही, आप जल चढ़ाने के पहले और जल चढ़ाने के बाद कब कब जम के बोलो जरा, जल चढ़ाने के पहले और जल चढ़ाने के बाद, दो क्षण के लिए, आपके पास ज्यादा समय नहीं हो तो दो क्षण के लिए नंदी के, जहां नंदी शिव जी के सामने बैठता है उसके राइट में, नंदी के राइट में, नंदी के लेफ्ट में नहीं, नंदी के राइट में थोड़ी सी देर जल चढ़ाने से पहले और जल चढ़ाने के बाद दो क्षण वहां बैठकर अपने जो दुख है, आप कहो कि मेरे बहुत बड़ी तकलीफ चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, बहुत टेंशन में हूं, थोड़ी देर बैठकर नंदी के पास अपनी उस चिंता का स्मरण कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, उठो जल चढ़ाओ, वापिस आकर दो क्षण बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने दुख का स्मरण कर फिर घर को जा, 15 दिन कर देखो, मेरा बाबा आपकी नैया पार करेगा निश्चित। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मैं शशि शिव जी का दास। तो आपने जैसे सुना, पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने बताया, अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आपके जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, या कोई संकट से आप गुजर रहे हो, बाबा भोलेनाथ अगर आपकी विनती नहीं सुन रहे हो, तो अवश्य जब भी आप जल चढ़ाने जाए तो जल चढ़ाने के पहले नंदी महाराज के राइट साइड में आपको केवल 2 से 5 मिनट बैठना है, बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर बाबा भोलेनाथ को अपने मन की कामना कर बाबा भोलेनाथ को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का फिर से जाप कर जल को समर्पित करना है, और जल समर्पित करने के बाद फिर से जब आप मंदिर से जाते हो फिर आपको नंदी महाराज की राइट तरफ बैठना है, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 2 से 5 मिनट जप करना है और अपनी मन की कामना बाबा भोलेनाथ को कहनी है। आप अगर ये क्रम 15 दिन अगर रोज़ करते हो तो बाबा अवश्य आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आप भी ज़रूर इस उपाय को करिए और अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।